हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रियल लाइफ विद बबीता में। जो मेरे चैनल पर न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जब भी सब्सक्राइब करें गाइस, पहले वीडियो देखें उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो हम कहाँ जा रहे हैं और आप लोग भी चलिए और बने रहिए वीडियो में। देखिए आज हम कहाँ जाते हैं, तो बताना आज के ब्लॉग कैसा लगा। और ऐसे न्यू न्यू ब्लॉग मैं आप सबके लिए लाती रहूँगी और आप लोग लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। तो ये देखिए गाइस, हम थोड़ा मतलब बाहर घूमने के लिए निकल गए थे शाम के टाइम और आप लोग देख सकते हो। तो ये देखिए कितना अच्छा मतलब रोड लग रहा था, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली। और कभी कभी मन करता ना कि अच्छा सा लगता है कहीं पे, तो थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था। तो ये देखिए गाइस, हम यहाँ आ गए और बाबू मुझे परेशान कर रहा था। मैं बाबू से बात कर रही थी, बाबू देख रहा था कि मैं कह, बाबू देखो क्या क्या। और यहाँ पर ना मतलब गाना चल रहा था, मैं ऐसे ऐसे कर रही थी तो बाबू देख रहा है और मैं आप हेलो कर रही हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि मतलब ये वीडियो बना रहे हैं, या फिर मैंने तो ऐसे ही कर दिया था मतलब हेलो, बट मुझे पता नहीं था। तो ये देखिए गाइस, और हम यहाँ पे आ गए, देखते हैं हम क्या खाते हैं। और आप लोग भी बताना कि कैसा लगा आज का ब्लॉग। तो ये देखिए, अब मुझे ना मतलब नज़ला सा भी हो रखा है और बाबू है, बाबू ना मतलब देख रहा था कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बच्चे हैं ना, उनको आता कुछ नहीं है, पर लेकिन मानते बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए हमारा डोसा यहाँ पर आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग भी आ जाइए डोसा खाने के लिए। और यहाँ का डोसा ना मतलब बहुत अच्छा लगा था हमें, और हम ना यहाँ पे पहली बार गए थे। जो बाहर की क्लिप थी ना, जो बाहर से ली थी, वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, पता नहीं मुझे मिली नहीं रही है। तो बट कोई नहीं, और आप लोग डोसा देखिए और इन्जॉय करिए। आप लोग देख सकते हो कितना यम्मी दिख रहा है, एकदम करारा करारा डोसा, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। तो चलिए हम लोग डोसा खा लेते हैं और बताना कैसा लग रहा है आपको डोसा, ये एकदम यम्मी। और मैंने यहाँ पर मतलब बाबू को खिला रही थी। बाबू है ना हमारा बड़ा वाला बेटा, तो हमारा कुछ भी नहीं खाता कुछ भी, और छोटा वाला बाबू हमारा कुछ भी खिला दो उसको, वो सब कुछ खा लेता है। तो चलिए हम लोग डोसा खा लेते हैं। तो ये देखिए डोसा हमने खा लिया है, और मैं भी आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अब मेरे हस्बैंड जी बैठे हैं, और ये मतलब रेस्टोरेंट ना मतलब अभी खुला है न्यू, और मतलब अच्छा भी लग रहा था एकदम। और मुझे ना साफ़ सफाई वाली जगह ज़्यादा पसंद आती है, मैंने आपको कई बार बता दिया। और तो ये देखिए, अभी हम और कुछ खाएंगे थोड़ा बहुत। तो ये देखिए गैस, हमने फिर चाउमीन मंगा ली थी, तो आप लोग देख सकते हो कितनी यम्मी चाउमीन दिख रही हैं, तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो ये देखिए, और मैं यहाँ पे चाउमीन निकाल लेती हूँ। और ये ना मतलब लंबी लंबी होती है ना, तो इधर से उधर भागी जाती है, इनको कितना भी बचा के निकाल रहा हूँ, पर कोई नहीं। तो ये देखिए, अब कि मैंने अच्छे से निकाली है, नीचे नहीं जाने दिया है। तो आप लोग भी आ जाइए चाउमीन खाने के लिए। और चाउमीन भी मतलब बहुत टेस्टी बना रखी थी इन्होंने, और खाने में मतलब अच्छी भी लगी थी बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए गाइस, मैं निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद खाएंगे हम लोग। और वैसे भी हम दोनों को लोगों को ही खानी है ना, मैं और मेरे हस्बैंड को, क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं हैं। छोटा वाला बेटा खाता थोड़ा बहुत, तो वो कितना खा लेगा। तो हम लोग, मैं सारे निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं चाउमीन खा रही हूँ, और ये मतलब बहुत लंबी लंबी होती है ना, बस इनसे थोड़ा बचना पड़ता है।
वो यहाँ पे मेरे मुँह पे लगी, मुझे पता भी नहीं। ये देखिए मैं बाबू को भी खिला रही हूँ, और ये देखिए, और बताना कैसा लगा और कैसी चम्मी लगी। बाबू रोने लगा था, फिर मैं उसको लेके खड़ी हो गई थी, फिर मैंने उसके बाद खाने लगी। तो ये देखिए, और मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ और एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए गाइस, बताना आज के ब्लॉग कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।